अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Redmi के नए फोन की अनबॉक्सिंग, जिसके ऊपर मेंशन आता है सबको Redmi चाहिए। तो देखते हैं कि वाकई में आपको ये स्मार्टफोन चाहिए। दोस्तों महंगाई के अंदर, कम बजट के अंदर एक अच्छा फोन अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन Redmi यहाँ कहता है कि सबको Redmi चाहिए, मतलब कि अच्छे स्पेक्स और अच्छी रेंज के अंदर एक स्मार्टफोन Redmi की तरफ से लॉन्च किया गया और उसे टैगलाइन ये लिखी गई है। तो देखते हैं कि कितना बेस्ट है स्मार्टफोन, क्या सबको ये चाहिए के नहीं चाहिए, और ये कैसा ओवरऑल स्मार्टफोन है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे ओवरऑल ये जस्टिफाई करता है अपनी प्राइस को कि नहीं। और मैं एक चीज आपको बताता चलूं, ये बहुत ही कमाल की प्राइसिंग और बहुत ही कमाल के ऐसे स्पेक्स जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो लेके आया। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डब्बे के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको दिखाना जरूरी है। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ बॉक्स देखने को मिलता है, सबको Redmi चाहिए। तो सबको Redmi क्यों चाहिए ये देखते हैं इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, कि सबको Redmi क्यों चाहिए टैगलाइन का इस्तेमाल किया गया। क्या ऐसा फ़ोन है कि आप सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी? और बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं कुछ स्पेसिफिकेशन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का है, 5000 mAh की यहाँ बैटरी मेंशनड है। तो इसको रखते हैं और यहाँ बॉक्स मेन आ जाता है। इस बॉक्स को क्यों खाली है, इसको साइड पे रखते हैं। ये मेन हमारा फ़ोन आ चुका है, तो इस फ़ोन को ओपन करते हैं और देखते हैं फ़ोन के अंदर क्या है। और ये हमारे पास जो है फर्स्ट लुक के अंदर फ़ोन आ चुका है हमारा। इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल है और कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर वारंटी कार्ड भी है और PTA अप्रूव्ड आता है ये। दोस्तों आपको यहाँ 10 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इसके अंदर आपको माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है, टाइप सी की अवेलेबिलिटी या नहीं है। दोस्तों आपने अनबॉक्सिंग देख ली, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो स्मार्टफोन है इसका डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर जो टेक्सचर वगैरह दिया गया है वो काफ़ी कमाल है। आप देख सकते हैं बैक की तरफ की लुक काफ़ी कमाल है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बैक की तरफ कैमरा बम्प के अंदर दिया गया, और बैक की तरफ डबल कैमरा है, डुअल कैमरा है, एक डेप्थ सेंसर और दूसरा 50 मेगापिक्सल का आपको जो है मेन सेंसर देखने को मिलता है। ये अच्छी बात है, रेजोल्यूशन ज़्यादा है। उसके कैमरा के सेंसर के बारे में मज़ीद बात करेंगे इसके डिज़ाइन के बाद। इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्लीक है। आपको जो स्मार्टफोन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर फील होगा, क्योंकि ये एक बड़े डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। इसके ऊपर आप मूवीज़, एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स वगैरह इंजॉय कर पाएंगे। ये 60Hz की स्क्रीन है और यहाँ 720p प्लस के डिस्प्ले के साथ आता है। और दोस्तों जो नोच है वो ड्यू ड्रॉप टाइप नोच है। इसके नीचे के बेजल थोड़े से हल्की सी चिन्ह देखने को मिलती है, बाकी बेजल लेस आपको स्क्रीन देखने को मिलती है। इसके अंदर, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि नीचे वाली साइड पे हैं, लेकिन स्पीकर की क्वालिटी जो है ओवरऑल काफी अच्छी देखने को मिली। दोस्तों आपको पता है आजकल हैंड फ्री जैक जो है, मोहरी जो हैंड फ्री वाली है, वो कम दी जा रही है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर मोहरी भी है दोस्तों हैंड फ्री वाली, लेकिन दोस्तों डब्बे के अंदर हैंड फ्री नहीं है, वो आपको लैदा से लेनी। दोस्तों इसको जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है ना, वो बहुत अच्छी है। सनलाइट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप इसे जो है व्यू कर सकते हैं। ब्राइटनेस जो है वो मेंशन तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छी आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और काफ़ी सा स्क्रीन जो है वो ब्राइट है। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर हीलियो का G85 का प्रोसेसर है, और उसके साथ साथ आपको जो है 4/128 का वेरिएंट देखने को मिलता है, 4/64 का वेरिएंट। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, 4/128 वाला जो है वो 35 करोड़ वाला आपको देखने को मिलता है, 34,999, और जो 4/64 वाला वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलता है 30,999, मतलब 31,000 के अंदर। तो आपकी चॉइस है आपने कौन सा लेना है। वैसे आप मेमोरी कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर माइक्रो USB है, इसके अंदर टाइप सी नहीं है, और ये 10 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। इसके अंदर आप जो है माइक्रो USB लगा के 10 वॉट की चार्जिंग कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको बॉक्स के अंदर ही 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। दोस्तों अगर कैमरा स्पेक्स की बात करें, कैमरा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बैक कैमरा के सैंपल्स को शो कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे जो है सैंपल्स आपको देखने को मिले। क्वालिटी जो थी मुझे ओवरऑल इंप्रेसिव लगी, क्योंकि एक सिंगल कैमरा है बैक की तरफ, दूसरा जो डेप्थ सेंसर है, तो जो क्वालिटी है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी। पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे कर रहा था, पोर्ट्रेट स्लाइडर भी अवेलेबल था, जो कि अच्छी बात बन जाती है। अगर मज़ीद बात करें दोस्तों, इसका फिंगरप्रिंट था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, और इसकी जो फ्रंट कैमरा है तो वो 5 मेगापिक्सल का, लेकिन फिर भी उसकी जो क्वालिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। उसके भी अंदर पोर्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा था, स्लाइडर वगैरह उसके अंदर भी आप चला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। और एक और चीज़ दोस्तों इसके अंदर बताता चलूँ, इसके अंदर वीडियो के अंदर 1080p 30fps आपको देखने को मिलता है, और यहाँ दोस्तों आप 720p 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब 60fps का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। अगर नॉर्मल यूजेज के लिए आपको चाहिए तो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेगा, और फोटोज की क्वालिटी काफ़ी इंप्रेसिव थी। इस स्मार्टफोन की जो मेन हाइलाइट्स मुझे नजर आई वो ये थी कि इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है, और इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी प्रीमियम है, और साथ में इसका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, और इसकी बैटरी टाइमिंग जो है, क्योंकि इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है और 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, चार्ज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 5000 mAh की बैटरी इस प्रोसेसर के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और हीलियो G85 का प्रोसेसर एक अच्छा प्रोसेसर है, एक डिसेंट चिप
है जो कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेगी। दूसरी स्मार्टफोन कोर कार्ड दराज और मी स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप मार्केट के अंदर जाके खरीद सकते हैं, वहां भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर मेरे ओपिनियंस की बात करें इस रेंज के अंदर, मुझे फिलहाल अगर प्राइसिंग देखें, पाकिस्तान के अंदर डॉलर प्राइस देखें, बाकी चीज़ें देखें, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है और इसका मज़ीद मैं रिव्यू करूँगा, इसे यूज़ करूँगा एक डेढ़ हफ्ता, तो इसका मज़ीद फुल रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा, उसका ज़रूर वेट कीजिएगा। उसके अंदर क्या होगा कि इसकी मुकम्मल इन डेप्थ चीज़ें बताऊँगा और बताऊँगा कि डेली यूज़ के अंदर जो मैंने यूज़ किया वो स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म किया और इसके अंदर कोई मसला वगैरह कोई इशूज़ वगैरह तो नहीं है। तो आज की वीडियो देता था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आ जाए। आज की वीडियो देता था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।